हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के वीडियो में। दोस्तों यहां पर आपको सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज की पहली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर मारा गया, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की है पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। इसके दो दिन बाद ही खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के गुर्दे खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मसूद अजहर की मौत हो गई है। दोस्तों कहा जा रहा है कि सेना की एयर स्ट्राइक के दौरान मसूद अजहर आतंकी शिविर में ही मौजूद था। हालांकि अभी पाकिस्तान की ओर से आतंकी मसूद की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकी शिविर में सो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 लड़ाकू विमान का प्रयोग किया था। एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने पीओके में लगभग 1000 किलो बम बरसाए थे। दोस्तों अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जैश का सरगना बीमार है। इस संबंध में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा था कि हालिया खबरें इस ओर इशारा करती है कि अजहर के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है और उसका पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका नियमित डायलिसिस भी किया जा रहा है। दोस्तों अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है कि मसूद अजहर वाकई में बीमार है या फिर भारत की एयर स्ट्राइक से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन की, पाकिस्तान ने 72 घंटों बाद खत्म किया शटडाउन, लाहौर एयरपोर्ट पर उड़ाने शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ तनाव बढ़ने की वजह से 72 घंटों से ज्यादा समय बंद रहे लाहौर एयरपोर्ट को रविवार को फिर से खोल दिया गया। पाकिस्तान ने बुधवार को अपने एयरपोर्ट को व्यापारिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया था। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची सहित सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे कि अब चालू कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन की, विंग कमांडर अभिनंदन की रीढ़ के निचले हिस्से और पसली में चोट, जांच में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की मेडिकल जांच में यह सामने आया है कि उन्हें पैराशूट से जमीन पर लैंड करते वक्त रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और पसली में चोट आई है। वे पाकिस्तान की हिरासत में 60 घंटे बिताकर लौटे थे। आर्मी के रिसर्च एंड रेफलर हॉस्पिटल में हुई मेडिकल जांच में चोट की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक MRI स्कैन में कोई बग नहीं मिला है, लेकिन रीढ़ के निचले हिस्से में चोट है। माना जा रहा है कि यह चोट उन्हें MiG-21 से अलग होकर पैराशूट से जमीन पर उतरने के दौरान लगी होगी। दोस्तों सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद विंग कमांडर को कई मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जल्द से जल्द वह अपने काम पर लौट सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन की, अब खाड़ी देश भी नहीं रहे पाकिस्तान के दोस्त। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिलीज करने की घोषणा की। पाकिस्तान का दावा है कि यह शांति के प्रयास के तहत किया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ऐसा करने को मजबूर हुआ। कहा जा रहा है कि अमेरिका के अलावा मध्य पूर्व में भी पाकिस्तान के मित्र देशों ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका को लेकर। पहले पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक साझेदारी थी, वह भी धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है। इस स्थिति में मिडिल ईस्ट के पार्टनर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से F-16 विमानों का इस्तेमाल करने की वजह से नाराज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन की, जम्मू कश्मीर के हदवाड़ा में 3 दिन तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 5 जवान शहीद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित हदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले कलीमुल्ला उर्फ काबिल और सोपोर के रहने वाले सज्जवाद अहमद उर्फ हैदर के रूप में हुई है। वहीं इस दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 5 CRPF के तथा 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए। इस दौरान 4 स्थानीय लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों की, पाकिस्तान को महंगा पड़ा भारत से पंगा, 4 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ जारी विवाद पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। पुलवामा अटैक के बाद भारत की सख्ती के चलते पाकिस्तान में महंगाई 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गल्फ टाइम के मुताबिक फरवरी महीने में पाकिस्तान की महंगाई दर बढ़कर 8.2% हो गई। भारत द्वारा सख्त कदम उठाए जाने से पाकिस्तानी रुपयों में बड़ी गिरावट
दर्ज की गई है, जिससे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है। दोस्तों इस दौरान पाकिस्तान में टमाटर, अदरक, शुगर, चाय, मटन, गुड़, घी, मछली, मूंग दाल, अंडा, कुकिंग ऑयल, चावल, धान, दाल, दूध और गेहूं जैसी डेली यूज की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। और दोस्तों यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने डेली यूज की चीजों को पाकिस्तान में निर्यात करने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत में अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स है, हम भी लगाएंगे शुल्क। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है। उन्होंने कहा है कि वो पारस्परिक बराबर कर या फिर कम से कम एक मामूली कर चाहते हैं। ट्रंप ने शनिवार को कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है, वो हम पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं। ट्रंप ने इस दौरान भारत जैसे देशों के साथ घरेलू, वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन का उदाहरण देते हुए कहा, हम जब भारत को मोटरसाइकिल भेजते हैं तो उस पर 100% का शुल्क लगाया जाता है, लेकिन जब भारत हमें मोटरसाइकिल का निर्यात करता है तो हम कुछ भी शुल्क नहीं लगाते हैं। आगे दोस्तों ट्रंप ने कहा, इसलिए मैं परस्पर बराबर कर चाहता हूं या फिर कम से कम एक शुल्क लगाना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन की। पिछले 4 दिनों में 50 पैसे तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए आज के रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पिछले 4 दिनों में लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल 41 पैसे और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। दोस्तों बात करें दिल्ली के पेट्रोल और डीजल की दामों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72.07 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि दोस्तों डीजल की बात करें तो डीजल के दाम भी 67.41 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज की। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया जय हिंद, नाखुश पाक ने कहा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर पद से हटाए। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के एक ट्वीट पर पाकिस्तान की ओर से मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर से उनको हटा दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड फॉर चाइल्ड राइट्स की गुडविल एम्बेसडर है। दोस्तों प्रियंका के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन चलाया जा रहा है कि जिसमें मांग की जा रही है कि उन्हें इस मानक पद से हटाया जाए। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान यह इसलिए कह रहा है क्योंकि दोस्तों 25-26 फरवरी के दरमियान रात को भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपने ट्वीट पर जय हिंद ट्वीट किया था। इसके बाद से ही मांग की जा रही है कि प्रियंका को इस पद से हटाया जाए। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका युद्ध के लिए खुश है, ऐसे में यूनिसेफ उन्हें इस मानक पद पर न रखे। दोस्तों पाकिस्तान की इस ओछी हरकत के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा वह भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों की। पहलवान बजरंग पूनिया ने जीता गोल्ड मेडल, विंग कमांडर अभिनंदन को किया समर्पित। जी हां दोस्तों, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और महिला पहलवान पूजा ढाणा ने निकोला पेट्रो इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज में अपने अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। बजरंग ने शनिवार रात पुरुषों के 65 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग की फाइनल में अमेरिका के जोर्डन माइकल ओलिवर को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बजरंग पहले 0-3 से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने लगातार 12 अंक लेकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दोस्तों बजरंग पूनिया ने इस जीत के बाद कहा, मैं यह पदक विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को समर्पित करता हूं, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा और उनसे हाथ मिलाना चाहूंगा। इसके बाद दोस्तों आज के मुख्य समाचारों की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, टोटल धवाल ने 9 दिन में कमाए 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म टोटल धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल मचाया हुआ है। दोस्तों 22 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के 9 दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने कुल मिलाकर 106.32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों ये डायरेक्टर इंद्र कुमार की 100 करोड़ कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। इसके बाद दोस्तों आज के दिन की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुख्य समाचारों में, गोल्ड प्राइस
टुडे, सोने का भाव दो दिन में 570 रुपए गिरा। जी हाँ दोस्तों, सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी है। दोस्तों सोने के भाव में पिछले दो दिनों में 570 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात करें दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने का भाव 120 रुपए गिरकर 34,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी के भाव की बात करें, तो चांदी के भाव में भी 370 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और अब चांदी का भाव 40,680 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों की, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, स्पाइसजेट जल्द शुरू करेगी 10 नई फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 10 नई उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की है। एयरलाइन की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि 8 फ्लाइट का परिचालन ग्वालियर से देश के विभिन्न शहरों के बीच किया जाएगा। वहीं दोस्तों 2 अन्य का परिचालन भोपाल उदयपुर मार्ग पर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एयरलाइन 31 मार्च से भोपाल से चेन्नई के बीच नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 48 मेगापिक्सल कैमरे वाला Redmi Note 7 Pro लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने नए स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है, जो कि दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस कैमरे में सोनी का IMX586 सेंसर लगा हुआ है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यही कैमरा है। दोस्तों आपको बता दें, यह फोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर 13 मार्च से सेल के लिए उपलब्ध रहेगा। दोस्तों इसकी कीमत की बात करें, तो दोस्तों इसका 4GB और 64GB वेरिएंट वाला फोन 13,999 रुपए कीमत का है। वहीं दोस्तों 6GB रैम और 128GB रोम स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,999 का रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सैमसंग ने लॉन्च किया एक और धांसू स्मार्टफोन, 7 मार्च से मिलेगा ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने भी अपना गैलेक्सी M सीरीज में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। सैमसंग की तरफ से नया लॉन्च किया गया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M30 है। इससे पहले भी कंपनी M सीरीज के तहत M10 और M20 लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों M10 और M20 की ही तरह गैलेक्सी M30 भी ऑनलाइन मार्केट में मिलेगा। सैमसंग के नए फोन पर कंपनी की तरफ से कुछ आकर्षक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विभिन्न वेबसाइटों से या क्रेडिट कार्ड की मदद से इस पर कई सारे छूट के ऑफर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी कीमत की, तो दोस्तों इसका 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरिएंट 14,990 रुपए में मिल रहा है, जबकि 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 17,999 रुपए में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, PNB में मर्ज हो सकते हैं देश के 4 बड़े बैंक, कहीं आपका खाता तो नहीं इन बैंकों में। जी हाँ दोस्तों, धोखाधड़ी का शिकार पंजाब नेशनल बैंक PNB सुधार एजेंडा लागू करने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे आगे रहा। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का स्थान आता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो सरकार बैंकों का प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकारी बैंकों के मर्जर का प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। इससे दोस्तों देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या में कमी आएगी और प्रदर्शन भी सुधरेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट ने विजया बैंक और देना बैंक के BOB में मर्ज करने को मंजूरी दी थी। सूत्रों की माने तो अगला मर्जर पंजाब नेशनल बैंक के साथ हो सकता है। दावा है कि PNB में OBC इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक का मर्ज हो सकता है। हालांकि इसमें अभी 3 बैंकों के मर्ज की ही संभावनाएं हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और दोस्तों इसी तरह की कामी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।